हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? चलते हैं आगे। आज एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। कल का टॉपिक था सार्थक अंक। आपने क्या कर लिया था, याद किया था? कुछ उसमें पॉइंट छूट गए थे, तो उस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान इस वीडियो में देते हैं। जैसे पहला पॉइंट आपका इसमें बनेगा सार्थक अंक याद करना है, तो आपको सार्थक अंक आप क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो इसमें दिया है पहला पॉइंट, यदि दशमलव बिंदु से पूर्व यानी दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक हो, यानी कोई पॉइंट दिया है दशमलव, दशमलव के पहले कोई अंक क्या हो, दो हो मान लेते हैं, अशून्य अंक है, तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद क्या है, शून्य, शून्य सहित सभी अंक क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक। अर्थात यह दशमलव के पहले कोई अंक दिया है और दशमलव के बाद शून्य दिया है, शून्य के बाद भी कोई अंक दिया है, तो शून्य भी क्या कहलेंगे, सार्थक अंक कहलेंगे। यदि नहीं भी दिया कोई अंक फिर भी वो क्या कहलेंगे, सार्थक अंक। जैसे हमने 2.001 कर दिया तो सार्थक अंक की संख्या बोलो कितना होगा, कितना होगा, 1, 2, 3, 4 होगा। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा। इसमें देखिए 5.03 सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगा। यदि हम देखिए 7.0025 सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, तो 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। यदि इसको हटा दिया जाए सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। यानी दशमलव के पहले, दशमलव के पहले यदि कोई अंक दिया हो तो दशमलव के बाद शून्य हो या कोई अंक हो भी सार्थक अंक में लिए जाते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि संख्या में 10 की घातों से यानी 10 की घात मतलब हमारा क्या, 10 के पावर 1 हो, 10 के पावर 2 हो, 10 के पावर 3, इनमें से गुणा कर देने पर सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। अब जैसे यहाँ आपके सामने उदाहरण हम दे दिए हैं पहले से, आप 5125 दिया है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या देखेंगे कितना होगा, 1, 2, 3, 4। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 4। अब उसी को हम क्या करेंगे, पॉइंट के रूप में अगर लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर रीजन हमारा क्या, 3 अंक हमने दशमलव का, तो 1000 से हमने क्या कर लिया, गुणा कर लिया, तो घात 10 के पावर 3 है, तो 10 के पावर 3 क्या करेगा, जो सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। जैसे हमारा यदि इतना है 10 सेंटीमीटर है, तो हमारा 10 के पावर माना 2 हो, तो इसमें ये पोजिशन नहीं माना जाएगा, या हम क्या कर दें 2.25 × 10⁻²² लिखे, तो सार्थक अंकों की जो संख्या होगी केवल ये संख्या को लेकर ही गिनेंगे, अर्थात 2.25 में सार्थक अंकों की जो संख्या होगी वो 3 ही होगी। यदि हम 7.35 × 10⁻¹⁹ ले लें तो सार्थक अंकों की संख्या, घात को आप भूल जाइए, घात को देखने की जरूरत नहीं है, अर्थात जो मान होगा यन वाला पोजिशन का हमने बताया था, यन पोजिशन के लिए, तो जो सार्थक अंक केवल कैपिटल एन पर ही निर्भर करेगा, तो सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, 7, 3, 5, यानी सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। अब तीसरा पॉइंट जो बनेगा उसको ध्यान देते हैं। याद देखते हैं, कह रहा गुणक या विभाजी कारक जो ना तो पूर्णांकित संख्या है और ना ही किसी मापित मान को प्रदर्शित करती है, यथार्थ होती है, अतः उनमें से अनंत सार्थक अंक होंगे। यानी हमारा कहने का मतलब 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये कहने का मतलब क्या 5 को 5.0 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, 5.00 नहीं लिख सकते हैं क्या, 5.000 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। कहने का तात्पर्य है मान परिवर्तन ना हो, मान परिवर्तन ना हो, दशमलव के बाद जीरो लगाने से उसका मान क्या होता है,
अनंत होता है जिसमें सार्थक अंकों की संख्या है। तो यहाँ आपका एक उदाहरण दिया हमने, दो को तीन प्रकार से लिखा है, 2.0 लिखा है, 2.00 लिखा है, 2.300 लिखा है। तो यहाँ जो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। जीरो को हम बढ़ा सकते हैं लेकिन उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हमारा क्या था, सार्थक अंक पर आधारित पॉइंट था। इसका आप साथ इसके लिए फिर हम चलते हैं कोटिमान चलते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसका हल करके आप क्या करिएगा, ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, कहने का मतलब क्या, कोटिमान क्या है, किसी संख्या को एक अंक दशमलव के रूप में लिखकर उसके घात के रूप में क्या कर देना, व्यक्त करना। किसी भी संख्या को उसके घात के रूप में व्यक्त करना, व्यक्त करने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही उसका क्या कहलाएगा, कोटिमान कहलाएगा। जैसे परिभाषा दिया है, यदि किसी राशि के परिमाण को, यदि किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम, यानी जो राशि दिया हो उसके छोटे मान, बड़ी सी राशि दिया है, कहने का तात्पर्य हमारा ये, जैसे 225 दिया है, अब 225 को छोटी राशि में घात में लिखना हमको है, तो कैसे लिख सकते हैं, दशमलव ऐसे कर दें, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये दशमलव के रूप में पहले, दशमलव के पहले एक अंक लिखा जाए और घात जो लिखा जाए, घात में उसका क्या कहलाएगा, कोटिमान कहलाएगा। यहाँ जो पॉइंट बनेगा, यदि किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जाए तो प्राप्त परिमाण को उस राशि का कोटिमान कहते हैं। जो उसका परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है, वही क्या कहलाता है, कोटिमान कहलाता है। यानी घात के रूप में ही क्या कर देना, व्यक्त कर देना। जैसे हमने लिखा 500 को लिख सकते हो या लिखें 100 लिखें, ठीक है, या ये होगा 1/10 की पावर मान है, 3 कर सकते हैं, लेकिन इसको दशमलव के पहले पोजिशन में बनाना, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना है, घात के रूप में लिखना है। यहाँ कह सकते हैं कि किसी राशि का कोटिमान ज्ञात करने का एक विध है, उस विध को देखते हैं। कह रहा किसी संख्या का, यानी कोई संख्या दी है, किसी संख्या का कोटिमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले, सर्वप्रथम सबसे पहले उसे घात, 10 की घात के रूप में लिखते हैं। यानी जो संख्या दी होगी उस संख्या को सबसे पहले किस में लिखेंगे, घात के रूप में। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले घात के रूप में लिखेंगे। तो 10 की घात के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि संख्या का एक अंक, संख्या का प्रथम अंक, जो एक अंक होगा, संख्या का एक अंक अंक दशमलव से पहले हो। यानी हमारा कहने का मतलब है, यदि 64 ये लिखे हैं, इसको 64/10 के पावर कितना कर लें, 3 कर लें, इतना हो जाएगा। यदि इसको हम क्या कर दें, अब दशमलव पोजीशन में यहाँ को बढ़ाएं, दशमलव के एक अंक, दशमलव के कि एक पहले कोई अंक निर्धारित होना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है। तो हमारा यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि संख्या का एक अंक दशमलव से पहले होना चाहिए। जो एक अंक होगा उसको हम क्या करेंगे, दशमलव से पहले लिखेंगे तथा शेष अंक दशमलव के क्या हो, बाद हो। यानी जो संख्या बचेगी वो क्या हो, दशमलव के बाद होना चाहिए, बाद हो। इस प्रकार संख्या 1 से 10 के बीच होगी। यानी जो संख्या प्राप्त होगी हमारा, जैसे 6400 दे दें हम, 6400 किलोमीटर, ये कितना है, किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करोगे तो 6400 1000 से गुणा करोगे। आप इसी को लिख सकते हो 10/64/10 के पावर कितना, 5 हो जाएगा, ये किस में होगा, मीटर हो जाएगा, ऐसे पोजिशन। और इसी को हम क्या करें, अब यहाँ देखिए क्या करा कि संख्या का एक अंक दशमलव से पहले होना चाहिए। तो
यहाँ आप 10.66 मीटर से और गुणा कर छह कर दें, तो ये दशमलव से पहले एक अंक हमारा हो गया। अब क्या कह रहा हूँ, शेष अंक दशमलव के बाद होना चाहिए, जो अंक बचा हो दशमलव के बाद है। इस प्रकार संख्या एक और दस के बीच होगी। सही बात, छह जो संख्या हमारी है एक और दस के बीच में है, बीच में होगी, अर्थात बीच में होगी। यदि संख्या एक और दस का वर्गमूल, अर्थात क्या एक और दस मतलब दस का वर्गमूल की बात करेंगे, 3.16, यानी कहने का तात्पर्य एक पूरे दस का वर्गमूल निकालोगे 3.16 ही मिलेगा। तो 3.16 प्रतिशत ये वाला जो आपका है, और किसके बीच में, एक और दस के बीच में होना चाहिए। किसका वर्गमूल, एक और दस का वर्गमूल। तो 3.16 के अगर आपके क्या 1.63 के बराबर या उससे क्या हो छोटा, यदि 3.16 से छोटा हो या बराबर हो, या छोटा हो या बराबर हो, बराबर हो तब संख्या के लिए 10^0 घात लेते हैं। तो 10^ कितना लेंगे, 0। इसका कहने का तात्पर्य 2.25 पूरे 10^5 है, तो कोटिमान जो होगा 10^ हम 0 करेंगे पूरा, तो इसके मामले में कोई परिवर्तन नहीं। 10^5 ही क्या कहलाएगा, उसका कोटिमान कहलाएगा। 5 लेते हैं, अर्थात संख्या कोटिमान के साथ लिखी 10^ ही रहेगी, यानी ही रहती है, यानी जो आपकी ये घात होगी उसको क्या कहेंगे, उसके साथ लिख देंगे, वही उसका क्या कहलाएगा, कोटिमान कहलाएगा। लेकिन कह रहा यदि संख्या 3.16 से अधिक है तब इसके लिए 10^1 लेते हैं, अतः कोटिमान संख्या के साथ लिखी गई संख्या 10^1 जोड़ देते हैं। अब बताओ 6.14 × 10^6 क्या 3.16 से अधिक है कि नहीं, अधिक है तो घात को हम लिखेंगे 6.14 × 10^6 और गुणा 10^1, तो गुणे घाते जुड़ जाएंगे, तो 6.6 × 10^7 तो कोटिमान उसकी केवल घात ही होगी, कोटिमान उसकी केवल क्या होगी, घात होगी। तो कोटिमानों की संख्या 10^5 कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो कोटिमान जो होगा वो उसका क्या कहलाएगा, घात ही होगा। तो कुछ उदाहरण आपको बता रहे हैं, इसे देखिए, जैसे हमारा एक क्वेश्चन है 0.00 हम लेते हैं, 0.0038 ये संख्या है, और इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, घात के रूप में। तो सबसे पहले हम क्या कर दें, 1, 2, 3, 4, 5 तो हम 5 से गुणा कर दें, 1, 2, 3, 4, 5 ये डायरेक्ट बता दें आपको, चलो चलो 1, 2, 3, 4, 5 बटे कितना कर दें, 1, 2, 3, 4, 5 तो 38 बटे कितना होगा, 10^5 तो लिखते हैं 38/10^5 तो अभी इसमें माइनस है। अब एक संख्या इधर कर दो तो 3.84 × 10^-4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये पोजीशन हो सकता है। अब इसमें पूछा जाए सार्थक अंकों की संख्या, तो आपको 2 बता देंगे, लेकिन कोटिमान है तो कोटिमानों की संख्या कैसे, पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो 3.8 है वो इससे बड़ा, अर्थात इससे बड़ा है कि छोटा है, तो इससे ये क्या है, छोटा है, ये 2 अंक दशमलव है, ये 1 अंक तक है, तो इसका जो कोटिमान होगा 10^5 कितना होगा, 3 ही होगा। जैसे पॉइंट अगर हम लिखना चाहें 2.0025 और इसको हम घात के रूप में लिखेंगे तो 25 × 10^-4 तो 2.5 × 10^-3 कितना, 3। अब बताओ 2.5 3.16 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है तो 10^3 ही उसकी क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। यदि हम कह दें 4, चलिए ये पोजीशन है, यहां 10^3 ले लीजिए,
अब आपसे पूछा जाए इसका कोटि मान क्या होगा, 4.25×10^-3 का कोटि मान क्या होगा। तो आपको पहले ये संख्या प्राप्त करना पड़ेगा, 3.16 से ज्यादा है कि कम है, तो 4.25 क्या ज्यादा है, तो हम 4.25×10^-3×10^1 तो हो जाएगा 10^-4 कितना हो जाएगा 4, तो 10^-4 क्या हो जाएगा। लेकिन इसमें माइनस पोजिशन भी देख सकते हैं, तो घातों का मान ये माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, घातक व्यक्ति तो 2 बन जाए। अगर ये कितना होता प्लस होता, ये कितना होता प्लस होता, तो कितना होता ये 4 हो जाता। तो माइनस प्लस पर भी क्या कर सकते हैं, निर्भर कर सकते हैं। ये रीजन आपको अर्थात जो कोटि मान होगा वो क्या होगा उसकी घात पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आपको हल करके आंसर बताना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम सार्थक अंकों की संख्या देंगे आपको, सार्थक अंक कैसे निकाले जा सकते हैं उसको आपको बताना है, सार्थक अंकों की संख्या, फिर कोटि मान की संख्या। पहला क्वेश्चन हमारा कोटि मान से 11,73,11,73,000 इसमें बताना है कोटि मान। दूसरा क्वेश्चन आपका है (9.1×10^-31 kg, 31 किलोग्राम है, इसका भी क्या बताना है आपको, कोटि मान बताना है। तीसरा क्वेश्चन सार्थक अंक से आप दे दीजिए, सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी उसको देखा जाए, क्वेश्चन तो इसे आपको मिला नहीं है फिर भी हम दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन 2.5 इसके बाद 7×8×10^-4 आप दे दिया जाए आपका 4×3×7 ये 5 क्वेश्चन आपको क्या करना हल करके बताना है। इसके बाद आपके बुक में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन को क्या करिए आप सॉल्व करिए अर्थात हल करिए और अच्छी तरह पढ़िए। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है, इसके लिए थैंक यू।